हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th NIS का उर्दू का, जिसका कोड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उर्दू जिसका कोड है 206, उसके TMA के सॉल्यूशन के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, उर्दू का TMA हम जो है सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है, उन सभी के आंसर एक सही और प्रॉपर तरीके से वीडियो में आपको जानने को मिलने वाले हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है, ये जो TMA का सॉल्यूशन है, ये किसके लिए है? ये है अक्टूबर 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको अपने TMA सबमिट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आप पाई स्टडी सर्कल के व्यूवर्स पहले से ही हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी स्कूल वीडियोस हमारा चैनल अपलोड करता रहता है और उसी की जो है सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को जो हम आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे पहले ही व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे TMA के सॉल्यूशंस हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने अपने TMA के सॉल्यूशन नहीं तैयार किए हैं, TMA नहीं बनाए हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, 10th के और 12th के सभी TMA के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उसमें 12th TMA के नाम से प्लेलिस्ट है और 10th TMA के नाम से प्लेलिस्ट है। तो अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स के TMA के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप बना सकते हैं। अब इस वीडियो में उर्दू के TMA की बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है आपका, अफसाना ईदगाही रोशनी में किरदारों को बयान कीजिए। तो आपको देखिए, यहाँ से जो है इसको यहाँ तक लिखना है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़ता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं स्क्रॉल करती हुई नीचे की तरफ इसको ले जाती हूँ और आप आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो कुछ यहाँ तक आपका ये आंसर है, पहला जो हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाती चलती हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, हमारा सवाल 2 है आपका, ठीक है? तो कौम के नौजवानों को जो है सरिंदे क्या पैगाम दिया, तो ये आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आई होप कहीं कहीं में मिस्टेक हो सकता है, कर जाऊँ पढ़ने में, तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे, काम करो तक, ठीक है? कि भलाई के काम करो, कौम की भलाई के काम करो, यहाँ तक आपको इसको लिखना है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर 2 है एक्चुअली हमारा। तो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ से, जहाँ तक आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे फिर आंसर जो है आप कुछ इस तरीके से लिखते स्टार्ट करते चले जाएंगे। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेम आप एज इट इज़ उतार लीजिए, अलग से कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी किताब कुछ नहीं खोलनी है आपको। जस्ट आप अपना TMA ऐसी का ऐसे ही तैयार करिए और जो बच्चों को अक्टूबर में एग्ज़ाम देने हैं, फटाफट से अपना TMA आप लोग सबमिट करवा दीजिए। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक आई थिंक इसका आंसर है, ठीक है? तो आंसर नंबर 3 भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं हम आगे की ओर। तो आगे है हमारा सवाल नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 3 पर है। तो सवाल नंबर 4 में हमने अलिफ जो है इसको जो है सिलेक्ट किया है और यहाँ से यहाँ तक पहले आपने क्वेश्चन लिखा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, फिर आपका जवाब यानी आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आपको पता होगा 4 और 5 जो क्वेश्चंस होते हैं आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उसका आंसर आपको अच्छा खासा लिखना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, हैंड टू हैंड नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। गाइस, वीडियो को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो है फिनिश करने का वेट मत करिएगा, प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन सा आ जाता है और आपके लिए हम और ज़्यादा काम करने के लिए मेहनत से लग जाते हैं। गाइस, अगर आपने एडमिशन ले रखा है अप्रैल 2021 में, तो उसके TMA आप मिस मत करिएगा। मैंने पोस्ट भी डाला था कि जल्द ही जो है हम TMA के सॉल्यूशन लाने वाले हैं अप्रैल और अक्टूबर 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए, अभी क्या है, अभी फिलहाल जो है अक्टूबर 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके TMA चल रहे हैं। तो अभी हमारे जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं, हम फटाफट से उन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा जो है 31 अगस्त आ जाएगा, मतलब जैसे ही अक्टूबर वाले बच्चों के TMA की लास्ट डेट आ जाएगी कि भाई अब उनको वहाँ सबमिट नहीं करने, उनकी डेट खत्म हो गई है, तो 31 अगस्त के तुरंत बाद ही 1 सितंबर से हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। किसके लिए TMA डालना? अप्रैल और अक्टूबर 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी मुश्किल से 10-12 दिन की बात है, आराम से आप वेट करिए, अगले TMA की बारी आप लोगों की है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी तो आपको यही लिखना ही है, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं, आप इस तरीके से लिखते चलिए।
और कुछ यहाँ तक आप इसको लिख देंगे, यहाँ तक आप इसको फिनिश कर देंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी है। तो यहाँ से आपका अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, सवाल नंबर 5। इसमें अलिफ को सिलेक्ट किया गया है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप, ठीक है, और क्वेश्चन लिखकर फिर आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अभी आई थिंक आपका नीचे तक जा रहा है, तो ठीक है आप यहाँ तक इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स में आई थिंक आंसर देना है, पहला पॉइंट आपका ये है। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है मीट मी इन द कमेंट सेक्शन, और वहाँ पर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, ये तीसरा हमारा पॉइंट है, कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट्स यानी हेडिंग डाल के इसका आंसर देना है, और ये चौथा पॉइंट है। आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का इज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 का ना नंबर ऐसे बनता है उर्दू में, जैसे 4 का नंबर होता है ना, ऐसे ही 6 वाला नंबर बनता है। तो गज़ल की तरगीब लिखिए, यहाँ से यहाँ तक आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उर्दू थोड़ा सा ना क्या होता है, राइट साइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं उर्दू को। इफ़ यू आर अ मुस्लिम सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कनेक्ट। और जो हिंदी और इंग्लिश होते हैं उसको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, गाइस उसको हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना, बट उर्दू को हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसका आंसर आप सेम एज इट इज उतार लीजिए, कुछ अलग से लिखने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगला पेज एक और है हमारा, ये पेज नंबर 7। पेज डाल लगे हैं ना ऊपर, अगर आप नोटिस करें तो, ताकि आपको कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं अटके ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद बढ़ लेते हैं और हम अभी आगे की ओर। फिर आप जो है यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, अच्छे से कैप्चर कर लीजिए स्क्रीनशॉट को, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करनी है आपको कहीं पर भी। बढ़ लेते हैं आगे की ओर। अभी एक फाइनल लास्ट पेज है हमारा, दैट इज़ पेज नंबर 8। तो इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अदरवाइज। और बाकी जो है आपका ये रहा आंसर, यहाँ जा रहा है आपका आंसर, और यहाँ आपका ये हुआ फाइनल। तो गाइस यहाँ पर आपका जो है उर्दू का TME का सॉल्यूशन अक्टूबर 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको शो कर दिया है, दिखा दिया है। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, देखिए नॉर्मली क्या होता है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं वही लेते हैं ज़्यादातर उर्दू सब्जेक्ट, तो उन बच्चों के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो है उर्दू का भी TME का सोल्यूशन दे दीजिए प्लीज़। तो जैसे ही हुआ मैंने अपना फटाफट से आप लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसके अलावा आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर लगी हो कि हाँ मैम ने हमारी हेल्प की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बेचारों ने उर्दू ले रखा है और TME का सोल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो उनके साथ इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अक्टूबर में आपने एडमिशन ले रखा है, तो बिफोर द एग्ज़ाम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आने वाली है, और सिलेबस से लेकर रिगार्डिंग वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। वैसे भी सिलेबस की वीडियोज़ तो बहुत सारी चल भी रही हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियोस के लिए, TME के सॉल्यूशन के लिए और NIS की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। बाय।